जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम सिर्फ शंकु के बारे में बतलाए थे, शंकु का फॉर्मूला बतलाए थे, शंकु क्या होता है यही सब चीज़ बतलाए थे। मतलब कह सकते हैं कि शंकु के ऊपर थ्योरी बेस्ड जो भी चीज़ हम बताएं वो सब थ्योरी बेस्ड था। और आज प्रॉब्लम बतलाना था। कहाँ गया प्रॉब्लम शंकु? हाँ मिला, देखिए फार्मूला लगभग उस दिन हम बता दिए थे, आज क्वेश्चन डील करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के लिए, किसी लंबवृत्तीय शंकु शंकु की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है तो आयतन ज्ञात करें। देखिए आयतन निकालना है तो पहले लिखना होगा कि शंकु का आयतन, पहले हम शंकु बना देते हैं, फिगर शंकु का, ये है शंकु, इसको बोलते हैं एच, और यहाँ पे ऊंचाई देले है, कई मीटर है 3 मीटर, और त्रिज्या देले है कई मीटर है 7 मीटर। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 गुने एच, एच मतलब कितना है 3, और बटे में 3, हालांकि 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 22 × 54 = 154 सेंटीमीटर के मीटर, देख लो ना क्या चल रहा है मीटर, इसलिए आयतन हो जाएगा 154 मीटर क्यूब शंकु का आयतन। अब सिर्फ इतने किया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि चलो 7 मीटर में है 3 मीटर में, यहाँ से इसको हटा देते हैं तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्वेश्चन भी सेम रहने देते हैं, सिर्फ नंबर हटा देते हैं। और अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे दिए हैं, किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 14 मीटर और ऊंचाई कर दिए 6 मीटर, और अब पूछ रहे हैं कि इसका आयतन बताइए। तो फिर वैसे ही लिखना होगा शंकु के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, लेकिन इस बार 22/7 सही है, लेकिन आर बदल जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 14 × 14 और एच भी बदल के हो जाएगा 6/3, हालांकि 3 × 6 कट गया और ये 7 × 14 कट गया, तो बच गया 22 × 2 × 14 × 2। देखो 22 × 44 और 14 × 28। अब रहा बात कि इन दोनों को गुना करना है, तो गुना करना आपको नहीं आता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको गुना भी नहीं आता, लगता है आपको कि गुना नहीं आता, और अगर ऐसा लगता है कि गुना नहीं आता तो एक आध दिन हम गुना बता देंगे कि गुना कैसे करना है। अब 14 मीटर 6 मीटर इसको भी चेंज कर दें, इतने तो सिर्फ करना होता है, बाकी क्वेश्चन तो सेम रहेगा, किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या यहाँ बैठा दिए त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई रख दिए 7 मीटर, अब पूछ दिए कि आयतन बता। अब देखो शंकु का आयतन चाहिए तो पाई आर स्क्वायर एच, अब आर माने कितना है तो 3 × 3 और एच माने 7/3, कुछ कटता है 3 से 3 काट दो 7 से 7 काट दो, तो बचा कितना, देखिए कितना बचा,
बाईस तिया 66 मीटर क्यूब हो गया, 66 मीटर क्यूब। चलो 3 मीटर 7 मीटर भी हटाते हैं। प्रश्न नंबर 4, और इस वक्त देते हैं किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई बैठा दी है 21 मीटर, तो आयतन निकालें। देखो शंकु के आयतन का फॉर्मूला यही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, तो पाई मैंने 22/7, आर स्क्वायर जाएगा बदल, आर स्क्वायर बदल गया, आर मतलब 3 थोड़ू चलेगा, आर बदल गया और आर के जगह पे हो जाएगा 6 × 6, एच एच मतलब हो गया 21 और बटा 3, कुछ काटो अगर कटता है तो 3 से इसको काट दो, 3 × 2 = 6 और 7 से इसको काट दो, 7 × 21 तो कितना हो गया 22 × 6 × 12, अब 12 × 3 = 36, अब 36 × 22 आप लोग को आता है, गुना कर लो उतना मीटर क्यूब। रही बात की गुना सिखा दें तो वो भी सिखाएंगे, लेकिन टाइम आने पर, अभी नहीं, गुना आप लोग को आता है अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद 5, किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 9 मीटर, त्रिज्या 9 मीटर कर दिए और ऊंचाई 7 मीटर कर दिए, और अब कहते हैं कि इसका आयतन बतला, आयतन क्या होगा देखते हैं, 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब हो गया 9 × 9, एच मतलब 7 और बटा में तो 3 × 3 = 9 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 22 × 3 = 66 और 9 गुना कर दो, 9 × 6 = 66 गुना करके जितना आएगा मीटर क्यूब। एक टाइप के क्वेश्चन था अभी तक, जितना हम 4 या 5 को आपको बताएं उस सभी हिसाब में हम एक ही चीज़ का जिक्र किए हैं, आयतन, शंकु के आयतन। अब जरा शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अरे यार लाइट गया, इन्वर्टर ऑन करना होगा, एक मिनट। छठा देखो, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई 14 मीटर और त्रिज्या 3 मीटर हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई का मतलब हो गया L, L बराबर हो गया 14 मीटर और त्रिज्या यानी R, R बराबर हो गया 3 मीटर, एल हो गया 14 मीटर और आर हो गया 3 मीटर, तो निकालना है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला बताओ शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल, पाई माने 22/7, आर माने तो आर माने 3, एल माने, एल माने 14, 7 × 2 = 14, अब गुना करना है तो 22 × 3 मतलब ऐसे समझो ना कि 3 × 2 = 6, अब 22 × 6 = 32 से 132 मीटर स्क्वायर। ये बहुत आसान था जिसमें डायरेक्ट तिरछी ऊंचाई दे रहे हैं,
और त्रिज्या दे ले हैं, कभी कभी तिरछी ऊंचाई त्रिज्या नहीं रहता है तो वेसन में दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत वाला भी क्वेश्चन में मिलेगा। अभी जो भी बता रहे हैं सब सिंपल है, ठीक है। अभी सिंपल मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन चेंज कर दिए, और क्वेश्चन चेंज करके हम कैमा छठा ने सतमा शंकु की तिरछी ऊंचाई कुछ और बैठा देते। शंकु की तिरछी ऊंचाई 28 मीटर और त्रिज्या रख देते हैं 5 मीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा उससे पहले भी एक क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल, इसको लिखो 22/7 और आर, अरे यार आर मैंने तो ये कौची बार बार लिखे, इसको हटाओ। इतना समझ में आ गया है ना कि तिरछी ऊंचाई मतलब एल होता है और त्रिज्या मैंने आर होता है, तो आर यानी हो गया 5 और तिरछी ऊंचाई हो गया 28, 7 × 28 फिर गुना उना कर देना अपना, तो 4×5=20 और 22 यानी कि 440 मीटर स्क्वायर। देखिए अभी जो भी हम बता रहे हैं वो टाइप सिखा रहे हैं, जैसे आयतन, आयतन कैसे निकालना है वो फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखो, 2 बार 3 बार फार्मूला लिखते लिखते याद हो जाएगा, उसके बाद मिली जुली बताएंगे, जिसमें मिक्स्ड रहेगा तो फिर मिली जुली पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, 8वां है कि तिरछी ऊंचाई 21 मीटर है और त्रिज्या 6 मीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु की तिरछी ऊंचाई चलो 21 मीटर और त्रिज्या 6 मीटर, यहाँ पोट करते हैं, तिरछी ऊंचाई 21 मीटर है, त्रिज्या 6 मीटर है, पाई यानी 22/7, आर मैंने कितना 6 है तो 6 लिखो, एल मैंने कितना तिरछी ऊंचाई 21 है, हालांकि 7 × 21 तो ये हो गया 22 और गुने में इधर गुना कर लेना, 22 × 6 = 18, इसको गुना उना कीजिए। ऐसे हम हल्का अगर करना चाहें, गुना को थोड़ा सा ईजी बनाना चाहें, तो 22 × 6 = 32 से और गुने में 3 से गुना करना थोड़ा सा आसान होता है, 3 × 2 = 6 × 3 = 9 × 3 = 3 यानी कि 396 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि शंकु की त्रिज्या 3 मीटर, सॉरी टाइप बदल गया, शंकु की त्रिज्या 3 मीटर ऊंचाई 4 मीटर है, बदल गया 9वां नंबर क्वेश्चन। टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है 9वां में। 9वां नंबर क्वेश्चन दे ले है कि शंकु की त्रिज्या 3 मीटर ऊंचाई 4 मीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो शंकु की त्रिज्या 3 मीटर ऊंचाई 4 मीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला, जैसे त्रिज्या है तो ये तो आर बोलेंगे, ऊंचाई है तो एच बोलेंगे, लेकिन जैसे ही शंकु का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला में होता है पाई आर एल, और यहाँ एल ही नहीं मालूम है तो उसके लिए वो फॉर्मूला होता है L² = H² + R² एल मैंने कितना के स्क्वायर, एल तो पते नहीं रहने दो, हाँ एच पता है कि एच मैंने कितना है ऊंचाई 4² और आर पता है 3² तो एल मैंने कितना हो गया L² = 16 + 9 तो L² = 25 इसलिए L = 5 और एल जब निकल गया तो यहाँ रख दो पाई मतलब 22/7 आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 3, एल मैंने कितना है 5, गुना उना करो ऐसे 5 × 15 और देखो जब 22/7 नहीं कट रहा हो तो
हम तो यही सिखाते हैं कि 5 × 15 और नहीं कटे तो पाई ही रहने दो, इतना मीटर स्क्वायर। जब नहीं कटे तब, जैसे 22/7 में ना तो 7 कट रहा ना 22 कट रहा है, जब नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो जैसे है वैसे। अब 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 शंकु की त्रिज्या, 10 नंबर क्वेश्चन। शंकु की त्रिज्या 5 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो फिर वही सवाल उठता है कि त्रिज्या तो है आर, मैंने त्रिज्या और एच भी है, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे ही ज्ञात करने गए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई यानी 22/7, आर मतलब 5 और एल मतलब 12। नहीं नहीं नहीं, एल कैसे, वो तो एच है, एल कहाँ से होगा, एल तो निकाले पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला लिखो, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल मालूम नहीं, एच मैंने जो भी हो मालूम, एच मैंने कितना है 12 के स्क्वायर, और आर मैंने कितना है 5 के स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, इसलिए एल स्क्वायर बराबर 144। तो एल बराबर कितना हो गया, अरे यार ध्यान तो कहीं और है, 169। यही फिर हम कभी कभी गलती हो जाता है, एल बराबर हो गया 13, कई बार गलती हो जाता है कैलकुलेशन में हमसे, एल मैंने 13। अब देखो 22/7 कहीं नहीं कट रहा था, 13×65 लिखो और इसको लिखो पाई, इतना मीटर स्क्वायर, 10 हिसाब हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम भी कम है, 17 मिनट हुआ है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इतने से काम चलाइए, फिर मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।